लोकसभा सदस्यता बहाल होने के एक दिन बाद जैसे ही राहुल गांधी को उनका आवास वापस मिला तो बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि ये पीएम मोदी का विशाल हृदय ही तो है जो सबके लिए सोचता है। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता और पार्टी की सोशल मीडिया इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी सांसद रवि किशन पर करारा हमला बोला और पूछा है कि क्या राहुल गांधी को आवंटित बंगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने ददिहाल से लाए हैं। दरअसल बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा था कि ये मोदी जी का बड़प्पन है कि सजा पर रोक के बावजूद राहुल गांधी को बंगला आवंटित कर दिया गया। रवि किशन ने कहा कि ये देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री और बीजेपी का बड़प्पन कि आपकी सजा पर स्टे है फिर भी आपको बंगला दे दिया गया है। कभी तो आपको अच्छे काम के लिए तारीफ करनी चाहिए। आप लोगों की घमंडी पार्टी बनी है लेकिन फिर भी नए बंगले के लिए आपको बहुत मुबारकबाद। अब इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने ददिहाल का बंगला दे रहे हैं मोदी जी। सांसद को बंगला जनता के वोटों से मिलता है, मोदी जी की दया से नहीं। अकले से पैदल एक और बीजेपी का शिरोमणि। बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों गुजरात कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई थी। इस सजा की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी, इस कारण उन्हें आवंटित बंगला भी उनसे वापस ले लिया गया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी सांसदी बहाल हुई तो उन्हें बंगला भी आवंटित कर दिया गया। बीजेपी सांसद ने इसे मोदी जी का बड़प्पन करार दिया था जिस पर कांग्रेस ने एतराज जताते हुए करारा जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।